रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि इस समय जोधपुर से आ रही है। आपको बता दें, जोधपुर के केरू पंचायत समिति से इस समय की बड़ी खबर, जहां प्याऊ क्षेत्र में ट्री गार्ड उखाड़ने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई ने दोनों पक्षों से समझाइश की, लेकिन पूर्व विधायक के जाने के बाद यहां पथराव हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पथराव में दो पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण घायल हुए हैं। आपको बता दें, डीसीपी वेस्ट गौरव यादव मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने तत्परता से हालात पर नियंत्रण कर लिया है, हालांकि अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर ट्री गार्ड उखाड़ने के विरोध के चलते दो पक्षों के बीच में कासुनी हो गई, झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश करी, विधायक ने समझाइश की, लेकिन अभी भी मामला तनाव का बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से सीधे लाइव हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। अरुण, ऐसा क्या हुआ इस पूरे मामले में, जहां पर एक ट्री गार्ड का एक पूरा मसला था जिसे हटाया जा रहा था, और ये मामला इस तरीके की बड़ी झड़प का के रूप में बदल गया, समझाइश के बाद भी अभी भी तनाव बना हुआ है? बिल्कुल सौरभ, तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट का फैसला आ गया था। ये देखिए, टीयर गैस छोड़ी जा रही है। जो उद्यमी है गांव वाले, वो झाड़ियों के पीछे से पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे हैं, और पुलिस अपने बचाव में टीयर गैस छोड़कर उनको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है लगातार। आप देखिए, पिछले दो घंटे से ये उपद्रव चल रहा है। जोधपुर जैसलमेर हाईवे है, जहां पर जाम लगा हुआ था। आपसे कुछ देर पहले पुलिस ने जाम खुलवाया है, लेकिन कह सकते हैं लगातार जो उपद्रवी है, जो छात्र, चाहे दोनों समाज के, चाहे विष्णु समाज हो चाहे जाट समाज हो, उनकी तरफ से जो पथराव किया जा रहा है, उसमें कई पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और दोनों पक्षों के लोग भी घायल हुए हैं। लेकिन कह सकते हैं पुलिस उनको निपटने के लिए, आप देखिए, कॉम्बिंग चलाया जा रहा है, ऊपर भवन में ढूंढा जा रहा है। ये शिव सुंदर पब्लिक माध्यमिक स्कूल है, उसके अंदर बच्चे कोई छुपे हो, लड़के छुपे हो, उपद्रवी जो है उनको पकड़ने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसटीएफ बुलाई गई है, एसपी खुद मौके पर है और लगातार हालात को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ, ऐसे में मामला केवल ट्री गार्ड का था, उसी को लेकर इतना बड़ा तनाव यहां पर खड़ा हो गया, या मामला कुछ और है? देखिए, मामला हालांकि देखी जाए तो पिछले दिनों लंबा विवाद चला था, जिससे गौचर भूमि गांव में जो है वहां पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ था। उस निर्णय की पालना करवाने के लिए जेडीए ने पिछले दिनों काफी प्रयास किए थे, लेकिन एक समाज का जब विरोध हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझाइश हुई थी। जोधपुर के जेडीए के पास जो धरना दिया गया था, कई महिलाएं जो आपने दिखाया था, सबसे पहले जो पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद समझौता हुआ था। लेकिन आज सुबह ट्री गार्ड उखाड़ने की बात के साथ ये विवाद शुरू हुआ दोबारा, और उसके बाद आज दिन भर तनाव के हालात है। और अभी भी आप देखिए, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, गांव के अंदर तक घुस रही है, और जो उपद्रवी छात्र है और ये लोग जो है गांववासी, चाहे दोनों समाज के, जाट समाज के हो चाहे विष्णु समाज के, लगातार पुलिस पर एक तरह से कह सकते हैं छुपकर पथराव कर रहे हैं, और उस पथराव में कई पुलिसकर्मियों के चोट भी लगी है और दोनों पक्षों के कई लोगों को चोट भी लगी है। सौरभ, अरुण, ऐसे में बड़ी बात यह है कि इतना बेखौफ कैसे हैं ये बदमाश? क्या ये गांव के ही लोग हैं जो इस तरह से पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, और अभी तक भी ये मामला शांत नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए सौरभ, अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले जब सुबह ये घटना हुई थी, उस समय जो है लूणी के पूर्व विधायक मलकान सिंह विश्नोई है जो यहाँ आए थे, उन्होंने दोनों पक्षों से समझाइश की थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकले, उसके बाद में बताया जा रहा है कि एक पक्ष ट्रैक्टर में ट्रोली में पत्थर भर के आए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये हालात बिगड़ते गए। लगातार डीसीपी खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों को नियंत्रण में अभी भी नहीं किया जा सका है। हालांकि हाईवे खुलवा दिया गया, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। और आप देखिए, आरएसी के जवान हो चाहे एसटीएफ के जवान हो, तमाम वो लोग है इस हालात को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, कुछ लोगों को हिरासत लेने की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण है सौरभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस समय भी हालात अभी काबू में नहीं कर पाई पुलिस। उम्मीद यही करते हैं कि जो समझाइश का सिलसिला है वो कामयाबी की ओर बढ़े और ये पूरे हालात पर नियंत्रण मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस समय की बड़ी खबर ये भी जोधपुर से आ रही है। आपको बता दें, दुकान से महिला से ने पर्स उड़ाया है, सीसीटीवी कैद में पूरी वारदात हो गई है। महिला की तमाम हरकतें, चोरी की ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में आ चुकी है। त्रिपोलिया बाजार से महिला ने 2 से 3 पर्स चोरी किए हैं।
और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर जहां पर महिला पर्स चोरी करती हुई दिखाई दे रही है, 2 से 3 पर्स चोरी किए हैं महिला ने और ये तमाम वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।